हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि नीट के जो एग्ज़ाम अभी हुआ है 2020 का, इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, लेकिन कम नंबर पे भी आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। 300 से भी कम नंबर हो या 300 के आसपास है, 300 थोड़े बहुत ही ऊपर हो, उसको भी कॉलेज अगर लेनी हो तो वो किस तरह से ले सकता है कॉलेज और कौन कौन सी कॉलेज उसे मिल सकती है, इन सब के बारे में आपके जो कौन कौन सी कॉलेज जिनकी कट ऑफ सबसे कम जाती है पूरी कंप्लीट लिस्ट में आपको बताऊँगा। कंप्लीट हर एक तरीके से मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँगा उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और पिछले साल उसकी कट ऑफ कितनी रही थी, वो कौन कौन सी कॉलेज है, उसमें एडमिशन किस तरह से होता है, ये हर एक सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। अब आप चिंता ना करें, इस बार तो सिलेक्शन होके ही रहेगा आप सब लोगों का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अब थोड़ी सी देर में कि आपके हर एक सवाल का जवाब मैं यहां पर दूंगा, बस आप लास्ट तक बने रहें। कितनी कॉलेज है और उसमें कितनी सीट्स है, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे। आपके हर एक सवाल का दोस्तों मैं जवाब यहां पर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। फर्स्ट नंबर की आपके सामने जो कॉलेज आ रही है वो कॉलेज है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड SVM हॉस्पिटल भुवनेश्वर, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट कोटे की 127 सीटें हैं और NRI की 23 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ समथिंग 315 नंबर तक जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। कितने नंबर तक जाने वाली है? 315 नंबर तक इसकी कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों। पिछले बार की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये सीटें मैं आपको पिछले बार की बता रहा हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट कोटे की 127 है, NRI की 23 है, ठीक है। उसके बाद है BV डीम्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सांगली, तो इसमें मैनेजमेंट कोटे की 127 सीटें हैं, NRI कोटे की 23 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ 350 के आसपास जाने वाली है। पिछले साल 350 से भी कम थी, लेकिन इस बार पेपर ईजी आया था, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। इस वजह से मैं आपको कट ऑफ 350 बता रहा हूं, अदरवाइज पिछले साल तो कट ऑफ इसकी 330 से भी कम कट ऑफ थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरे नंबर की कॉलेज आती है JLN मेडिकल कॉलेज दत्ता मेघे वर्धा, ठीक है। ये मेडिकल, इसमें मैनेजमेंट कोटे की 170 सीटें हैं और NRI कोटे की 30 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ 390 नंबर तक जा सकती है दोस्तों, ठीक है। पिछले बार दोस्तों इनकी कट ऑफ सबकी, पिछले बार की कट ऑफ में मैंने 10-10, 15-15 नंबर बढ़ा दिए हैं, आप चिंता ना करें। पिछले बार की कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, सीटें मैं आपको पिछले बार की ही बता रहा हूँ। उसके बाद है श्री BM पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसर्च, ठीक है, विजयपुरा, तो इसमें मैनेजमेंट कोटे की 27 सीटें हैं, NRI कोटे की 23 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ 340 के आसपास जाने वाली है। क्या? इसकी कट ऑफ 340 के आसपास जाने वाली है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली कॉलेज आपके सामने निकल के आती है SBKS मेडिकल कॉलेज गुजरात, इसमें मैनेजमेंट कोटे की 127 सीटें हैं, NRI कोटे की 23 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ 390 के आसपास जाने वाली है, यानी 400 से भी कम नंबर में इस मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, और जो गवर्नमेंट से इसको मान्यता प्राप्त भी है इन कॉलेजों को सभी को, ठीक है। उसके बाद है MGM मेडिकल कॉलेज नावी मुंबई, मैनेजमेंट कोटे की 27 सीटें हैं, NRI कोटे की 23 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ 380 के समथिंग जाने वाली है। कितनी कट ऑफ? 380 के समथिंग इसकी कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट आपकी जो मेडिकल कॉलेज है वो है अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोची, जिसमें मैनेजमेंट कोटे की 85 सीटें हैं, NRI कोटे की 15 सीटें हैं और आपकी उसकी कट ऑफ समथिंग 340 नंबर के आसपास जाने वाली है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप चिंता ना करें, पिछले बार की कट ऑफ में मैंने 10-15 नंबर बढ़ा दिए हैं क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा ईजी आया था, इस वजह से, ठीक है। अगली कॉलेज है BVD यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज पुणे, इसमें मैनेजमेंट कोटे की 127 सीटें हैं, NRI कोटे की 23 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ 380 के आसपास जाने वाली है दोस्तों इनकी कट ऑफ कम क्यों जाती है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, आप उसकी टेंशन ना ले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली है यूनोपोया मेडिकल कॉलेज मंगलोर, इसकी मैनेजमेंट कोटे की 127 सीटें हैं, NRI कोटे की 23 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ 400 नंबर के आसपास जाने वाली है इस बार। पिछले बार इसकी कट ऑफ 380 नंबर थी, इस बार इसकी कट ऑफ 400 नंबर जाएगी दोस्तों, यानी एवरेज 400 के आसपास जाएगी। उसके बाद अगली है श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज DU टुमकूर, इसमें मैनेजमेंट कोटे की 111 सीटें हैं, NRI कोटे की 19 सीटें हैं और कट ऑफ इसकी 430 तक जाने वाली है। NRI कोटे का मतलब होता है जो विदेश से जो बच्चे आते हैं मेडिकल करने के लिए, MBBS करने के लिए, उन बच्चों की सीटें यहां पर रिजर्व है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज
बेलागावी, इसमें मैनेजमेंट कोटे की 158 सीटें हैं, एनआरआई कोटे की 142 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ 440 नंबर तक जाएगी, यानी जहां पर बच्चों को 550 भी नहीं मिलती वहां 440 में मिल जाएगी। उसके बाद अगली है जेएसएस मेडिकल कॉलेज जगतगुरु, जिसमें मैनेजमेंट कोटे की 170 सीटें हैं, एनआरआई कोटे की 30 सीटें हैं और 450 के समथिंग इसकी कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जिस बच्चे के जितने जितने नंबर है वो उस हिसाब से इस कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लें। उसके बाद अगला है एमएम इंस्टीट्यूट मेडिकल एंड रिसर्च मुलाना, इसमें है 128 मैनेजमेंट कोटे की, एनआरआई कोटे की 22 और इसकी कट ऑफ 410 नंबर तक इसकी कट ऑफ जा सकती है। इससे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर नहीं जाती है क्योंकि इसके रीजंस बहुत से रीजंस है, क्योंकि यहाँ पर मोपअप राउंड में ये सीटें रहती है। ठीक है दोस्तों ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेज हैं। इसके बाद है KS हेगडे मेडिकल अकेडमी मैंगलोर, इसकी मैनेजमेंट कोटे की 115 सीटें हैं, एनआरआई कोटे की जो सीटें हैं वो 35 सीटें हैं और उसके बाद इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 480 नंबर तक जाती है। कितने नंबर तक जाती है? 480 नंबर तक इस बार इसकी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, 480 नंबर से ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट जो मेडिकल कॉलेज है वो है रूरल मेडिकल कॉलेज एंड PIMS लोनी, इसमें मैनेजमेंट कोटे की 170 सीटें हैं, एनआरआई कोटे की 30 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ 460 नंबर तक जाती है दोस्तों इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये मोपअप राउंड में जाती है कट ऑफ, यानी तीन राउंड होते हैं, पहला राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड को मोपअप राउंड बोला जाता है और इन मेडिकल कॉलेजों में ये सीटें खाली रहती है, क्योंकि इसका रीज़न कई प्रकार के रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज की तरह होती है लेकिन सारा काम इनमें सेंटर से होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको MCA अलग से देना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा, इसकी मान्यता प्राप्त नहीं है। ये बिल्कुल MBBS जो गवर्नमेंट से MBBS होती है उसी के बराबर मान्यता प्राप्त होती है। इनमें आधी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो कई प्राइवेट कॉलेज भी हैं, लेकिन सारी की सारी वहाँ से खुद की ये यूनिवर्सिटीज है, इन्हें डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के नाम से इन्हें जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा भी और कई मेडिकल कॉलेज रह गई है, पूरी 46 मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी कट ऑफ भी कमी जाती है, मैंने 15 की लिस्ट बना दी। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो भी 15 कॉलेज का जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और दोस्तों मैं उन विद्यार्थियों को सूचित करना चाहता हूँ जिनका किसी कारणवश इस बार नीट में सिलेक्शन नहीं होता है और अगले साल अगर वो तैयारी करते हैं तो हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगा, चैप्टर को पढ़ने की, किसी टॉपिक को याद करने की ट्रिक से याद करने की, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों अब मिशन है 2021 नीट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।